नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ। जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर संभाग की सभी 19 विधानसभा सीटों पर घोषणा पत्र के पहले ही भाजपा कांग्रेस की टक्कर स्थिति है। बताया जा रहा है कि ग्राउंड रिपोर्ट में साफ दिख रहा है कि 7 सीटों पर कांग्रेस और 6 सीटों पर भाजपा और 6 सीटों पर इनकी टक्कर स्थिति है। चुनाव दिलचस्प मोड़ लेता जा रहा है। कई प्रत्याशी के लोग पूछे जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो वही कहीं प्रचार करने के लिए निकले हुए नेता मुंह की खानी पड़ रही है उनको। कहीं सीधे कांग्रेस के पंजे की पकड़ मजबूत होती दिख रही है, तो कहीं कमल के फूल की रंगत बढ़ती हुई दिख रही है। कुछ ऐसे ही इलाके भी हैं जहां प्रत्याशियों के चयन की वजह से वोटर कंफ्यूज हैं। प्रियंका गांधी सोमवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रही हैं। प्रियंका खैरागढ़ और बिलासपुर में चुनावी सभा को संबोधित कर रही हैं। साथ ही वो यहां कांग्रेस प्रत्याशियों की नामांकन रैली में भी शामिल होंगी। प्रियंका का साल में ये 5वां छत्तीसगढ़ दौरा है। वही आपको बता दें कि बिलासपुर में सोमवार को होने वाली नामांकन रैली में शामिल होने के लिए पहले सिर्फ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आने की तैयारी चल रही थी, लेकिन अब प्रियंका गांधी इन सभाओं में शामिल हो रही हैं। प्रियंका की ये रैली बिलासपुर संभाग में आने वाली सभी 25 सीटों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही चुनाव शराब और कैश के साथ ही अन्य सामग्री भी जब्त की जा रही है। रविवार को जेवरा सिरसा चौकी पुलिस और एसएसटी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर ट्रक से करीब 15 लाख रुपए का चादर जब्त किया है। दुर्ग सीएसपी और मणिशंकर चंद्रा ने बताया है कि अलग अलग स्थानों पर एसएसटी और संबोधित क्षेत्र के थानों की पुलिस चेकिंग पॉइंट पर लगी हुई है। जेवरा सिरसा पुलिस लगातार वाहनों की चेकिंग कर रही है। एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ कोतवाली पुलिस ने 2 कारों से 57 पेटी शराब जब्त की है। दोनों कारों में मध्य प्रदेश से शराब लाई जा रही थी। जब्त अवैध शराब की कीमत करीबन 3,70,000 रुपए आकी जा रही है। वही पुलिस ने दोनों कारों को जब्त कर लिया है। मामले में कार सवार 4 आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।